गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक न्यू सेशन को, जहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग रैपसीड एंड मस्टर्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोयाबीन, ग्राउंडनट, लॉट्स ऑफ टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ में वहाँ पे आपको क्विजेज भी मिलेंगे, तो ये लेक्चर अटेंड करने के बाद वहाँ पे जाके आप क्विजेज अटेंड करना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कुछ फोटोग्राफ। आपने होप्सो मस्टर्ड का प्लांट देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। जब फील्ड में लगा होता है तो पूरा का पूरा फील्ड आपको येलो कलर का दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। ठीक है, और इसमें छोटा सा लगा होता है पोड, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, जिसमें होता है सीड्स। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है ना, बहुत सारे जब ये येलो कलर का होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है ये। अब देखिए, इनके जो सीड्स है ना, इनमें दो इनके रैपसीड और मस्टर्ड दोनों साथ में पड़ते हैं, बट ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आप अगर मस्टर्ड को देखोगे तो कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ेगा, और रैपसीड के सीड को देखोगे तो इस टाइप का दिखाई पड़ेगा, है ना। बट लोग इंडिया में क्या होता है कि लोग कल्टीवेट कर देते हैं, यहाँ पे उतना रैपसीड और मस्टर्ड अलग अलग वो नहीं सोचते, दोनों को लगा देते हैं, क्योंकि दोनों से ही हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देख पा रहे हो, जो आपको स्लाइटली येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है वो आपका मस्टर्ड है, और साइड में आपको जो डार्क ब्राउन कलर का दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, आपका रैपसीड है। ठीक है, तो आप होप सो इजली आप इनके सीड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नो, आगे बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। नो फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके जनरल इंट्रोडक्शन। तो इनका बोटेनिकल नेम होता है ब्रासिका स्पीसीज, और आप जान लीजिए जहाँ भी आपको स्पीसीज दिखाई पड़े, दैट मीन्स कि ये वो वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि इनके और भी अलग अलग स्पीसीज है जो कि कल्टिवेट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन में हम लोग स्पीसीज वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग वैरायटी भी होंगे। तो इनका बोटेनिकल नेम क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, ब्रासिका स्पीसीज। फैमिली क्या है इनका, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का दूसरा नेम क्या होता है, ब्रासिकेसी। तो आपको इनके दूसरे नेम भी याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में आपको क्रूसीफेरी लिखा हुआ दे देगा। ठीक है, तो आपको अल्टरनेट इसका नेम भी याद रखना है, इसका ब्रासिकेसी भी होता है। ओरिजिन क्या है इसका, चाइना है, और ये मेजर रबी ऑयल सीड क्रॉप में काउंट किया जाता है। दैट मीन्स कि अगर रबी सीजन का कोई मेजर ऑयल सीड क्रॉप है तो वो आपका रैपसीड एंड मस्टर्ड है। इसमें ऑयल कंटेंट जो है वो 37% से 49% तक का होता है। सोच सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा ऑयल होता है। इनके फ्रूट्स को हम सिलिकवा बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग डे सीथ्री और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होते हैं। ठीक है, तो इनका बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इनके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सरसों इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस। अब VAR का मतलब हो गया वैरायटी। ठीक है, इनके अलग अलग वैरायटी है, एक येलो सरसों होता है, एक ब्राउन सरसों होता है ना। तो ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस वैरायटी येलो सरसों, और ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस वैरायटी ब्राउन सरसों। तो आपको सरसों जो है वो कुछ येलो कलर का दिखाई पड़ेंगे, कुछ ब्राउन कलर का भी दिखाई पड़ते हैं। इनके क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं वो 20 होते हैं, और इनका कॉमन नेम जो है वो टर्निप रेप होता है, और इंटरनेशनल कॉमर्शियल नेम इनका है इंडियन कोलजा, या फिर कोलजा के नाम से इसको हम जानते हैं, ये इंटरनेशनल कॉमर्शियल नेम है। ठीक है, दूसरा बात करें तोरिया का, तो ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस वैरायटी येलो तोरिया, जैसे कि वहाँ पे येलो सरसों था, यहाँ पे येलो तोरिया होगा। ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस वैरायटी ब्लैक तोरिया, क्रोमोसोम नंबर 20 होता है, और इसको कॉमन नेम के में इसका इंडियन रेप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला आता है राई, तो ब्रासिका जूनसिया, इसको हम इंडियन मस्टर्ड। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ब्रासिका जूनसिया को हम क्या बोलते हैं, इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं, या फिर इसको राई बोलते हैं, लाहा बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नेम जो है, जो कॉमन नेम है इसको आप याद रखिएगा, है ना। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये वाइल्डली कल्टिवेटेड इन इंडिया है, मतलब इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडिया के अंदर कल्टिवेट किया जाता है तो आपका ब्रासिका जूनसिया है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 36 इसका क्रोमोसोम नंबर है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ याद रखना है कि इंडियन मस्टर्ड कौन सा है, ब्रासिका जूनसिया, और सबसे ज़्यादा इंडिया में कोई कल्टीवेट किया जाता है तो आपका ब्रासिका जूनसिया है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जिसमें 36 होता है। अगला आता है ब्रासिका जूनसिया वैराइटी रूगोसा। ठीक है, जिसको हम लोग रूगोसा या फिर फारी राय बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर इसमें 36 होता है। ब्रासिका निग्रा, जिसको हम बनारसी राय बोलते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बनारसी राय किसको बोलते हैं, तो ब्रासिका निग्रा को बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लैक मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो देखिए जो कॉमन नेम होता है, जैसे ब्लैक मस्टर्ड हो गया, इंडियन मस्टर्ड हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
है ना। तो बनारसी राई किसको बोलेंगे, ब्रासिका निग्रा को। ब्लैक मस्टर्ड किसको बोलेंगे, तो ब्रासिका निग्रा को ही बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें 16 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यू ट्राइंगल, जिसका एक और नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ब्रासिका ट्राइंगल। इसको दिया था नागा हेरू ने। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछा गया है कि यू ट्राइंगल किसने दिया था, नागा हेरू ने दिया था 1935 में, ठीक है। और ये यू ट्राइंगल क्या बतलाता है आपको कि किस तरह से ब्रासिका स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें ब्रासिका नेपस जो कि टेट्राप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर इसमें 38 होता है, तो ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका ओलेरेसिया ये मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रासिका नेपस बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपका ब्रासिका क्रिनेटा है जिसको हम लोग यूथोपियन मस्टर्ड बोलते हैं, इसका क्रोमोसोम नंबर 34 होता है, ये भी टेट्राप्लॉइड है, तो ब्रासिका ओलेरेसिया और ब्रासिका निग्रा जिसको हम लोग ब्लैक मस्टर्ड के नाम से जान रहे थे, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रासिका क्रिनेटा। इसी तरह से अगर बात करें ब्रासिका जूनसिया की जो कि टेट्राप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर 36 होता है, तो ब्रासिका कॉम्पेस्टिस और ब्रासिका निग्रा ये मिलकर बनाते हैं हम लोग आपके ब्रासिका जूनसिया को, ठीक है। अब कई बार आप देखेंगे ना तो बुक में क्या लिखा होता है, ब्रासिका कॉम्पेस्टिस की जगह ब्रासिका रेपा लिखा होता है, तो दोनों एक ही है, आप ब्रासिका कॉम्पेस्टिस लिखो या ब्रासिका रेपा लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है। नो इनके शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो NOC दैट इज कॉल्ड, आप यहाँ पे देखेंगे तो NOC का मतलब है, जैसे कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो, N का मतलब हो गया ब्रासिका नेपस और O का मतलब हो गया आपका ब्रासिका ओलेरेसिया, और ये सब ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ब्रासिका क्रेनेटा को या फिर ब्रासिका कॉम्पेस्टिस। तो इसको आप एज इट इज जो आपको दिखाया गया है यू ट्राइंगल, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, दो पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक के में फंसेगा नहीं, अगर आप फिर भी आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखिए तारामीरा जो है वो रैपसिड एंड मस्टर्ड का एक वैरायटी है जिसका बोटेनिकल नेम होता है यूरुका सटाइवा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मस्टर्ड पंजेंसी, आपको पता है कि मस्टर्ड में बहुत हाई अमाउंट पे पंजेंसी परसेंट होता है, तो अब ये पंजेंसी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपने कभी इसको महसूस किया है या नहीं किया है। आप कभी मस्टर्ड मिल गए होंगे जहाँ पे इसके सीड्स को हम क्रश करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत हाई अमाउंट पे पंजेंसी फील हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ है तो आप जब सब्जी बनाते हो तो आप मस्टर्ड ऑयल डालते होंगे, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत पंजेंसी महसूस होता होगा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आइसो थायोसाइनेट या फिर इसको थायोसाइनेट के नाम से जानते हैं, इसकी वजह से पंजेंसी आता है। तो भूलिएगा नहीं, किसके वजह से पंजेंसी आता है, आइसो थायोसाइनेट की वजह से, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि ग्लूकोसाइनोलेट जो कि प्रेजेंट होता है मस्टर्ड के सीड में, इस पर माइरोसाइनेज एंजाइम काम करता है और इसको हाइड्रोलाइज कर देता है और इसको ब्रेक कर देता है आइसो थायोसाइनेट में, कब, जब इसको आप क्रशिंग कर रहे होते हो, तो इसलिए इसमें पंजेंसी आपको फील होता है, ठीक है। इन बात करें तो इनमें जो स्पेसिंग होती है, अगर आप तोरिया या फिर रैपसिड की कल्टीवेशन कर रहे हो तो 30x10 cm, यहाँ पे रो टू रो 30 cm, प्लांट टू प्लांट 10 cm, और राई और मस्टर्ड की खेती कर रहे हो तो 45x15 cm, ठीक है। नो सोइंग डेप्थ की बात करें तो 3-4 cm में इसको आपको सोइंग करनी है। फर्टिलाइजर की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो आपको 40-60-80 kg पर जो है वो नाइट्रोजन पर हेक्टर डालना है फॉर द तोरिया सरसों या राय की कल्टीवेशन के लिए। बट अगर फॉस्फोरस आप डाल रहे हो तो अगर रेनफेड कंडीशन हुआ तो आपको 20 kg पर हेक्टर डालना है, बट अगर इरिगेटेड कंडीशन हुआ तो आपको 50 kg पर हेक्टर डालना है, ठीक है। पोटास डाल रहे हो तो 20 kg पर हेक्टर डालेंगे, और इसमें देखिए डाला जाता है सल्फर, क्योंकि सल्फर डालोगे तो ये ऑयल कंटेंट को इन्हांस करता है सरसों के अंदर, ठीक है। तो इसको आप डाल सकते हो 20 kg पर हेक्टेयर। इरिगेशन की बात करें तो इसको वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम होती है, 2-3 इरिगेशन जो है वो सफिशेंट है, है ना। हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो तोरिया है वो 80-100 दिन ले लेता है फॉर द हार्वेस्टिंग, और राइस जो है वो 110-180 दिन ले लेता है, जबकि येरो सरसों की बात करें तो 130-160 दिन ले लेता है, ठीक है। हील्ड की बात करें तो अगर रैपसीड है तो 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, और मस्टर्ड जो है वो उसका 20-25 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है वो उसका यील्ड आता है, ठीक है। नोट की बात करें तो रेगुलर अगर आप यूज़ कर रहे हो मस्टर्ड केक को, तो इसके वजह से ग्वाइटर नाम का डिजीज़ होता है। आपको मैंने बताया कि इसमें हम सल्फर डालते हैं 20 kg पर हेक्टेयर जस्ट बिकॉज ऑफ
इन्हांस देयर ऑयल कंटेंट। ठीक है, इसमें मेजर पेस्ट होता है एफिड एंड मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई। इसका एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मस्टर्ड, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। वैरायटीज़ की बात करें तो कुछ इंडियन मस्टर्ड वैरायटी है, जो कि है क्रांति, वरुणा T59, रोहिणी, पूसा बोल्ड और बासंती। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप किया गया था, वो है पूसा जय किसान बायो 902 के नाम से जानते हैं, जिसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक यूज़ की गई थी और इसके मदद से इसको डेवलप किया गया था। तो होप सो गाइस आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग शुगर केन को। ठीक है, थैंक यू सो मच।